हाय अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अनदर ट्रैवल व्लॉग। आई होप यू गाइस आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो जी हां गाइस, स्कर्दू टूर। लास्ट ईयर जब मैं और एहसन कलाम के टूर पे गए थे तो हमने प्लान बनाया था कि जी नेक्स्ट ईयर जो भी हमारा लंबा प्लान होगा या जो लॉन्ग टूर होगा हमारा, वो स्कर्दू का होगा। तो जी हां गाइस, आफ्टर दी वन ईयर मैंने और एहसन ने लास्ट ईयर डिसाइड किया कि जी अब हम स्कर्दू विजिट करेंगे। तो हर चीज़ें सारी चीज़ें डिसाइड होगी। तो अब यहाँ से स्कर्दू का जो सफ़र है वो बहुत लंबा है। इस्लामाबाद से तकरीबन स्कर्दू का जो सफ़र है वो 615 किलोमीटर है। 615 किलोमीटर का मतलब है कि आलमोस्ट 14 से 18 घंटे की ड्राइव। और ऑब्वियसली पहाड़ी इलाके का सफ़र है तो वो करना कोई इतना आसान काम होता भी नहीं है। तो हमने डिसाइड किया कि जी हम जाएंगे यहाँ से नॉन स्टॉप स्कर्दू, क्योंकि कुछ हमारे पास टाइम भी शॉर्टेज थी और उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने डिसाइड किया कि हम नॉन स्टॉप यहाँ से स्कर्दू जाएँगे। तो उसके लिए हमने डिसाइड किया कि जी फुल नाइट ट्रैवल करेंगे। और यहाँ से हमने इस्लामाबाद से रात 8 बजे अपना सफ़र स्टार्ट किया। और तमाम सिटीज़, जितने भी सिटीज़ रास्ते में आते हैं, बालाकोट, मानसेरा, एबटाबाद, इन सारों को बाईपास करते हुए हम सुबह 5:30 बजे नारान सिटी पहुँचे। इस्लामाबाद से नारान का सफ़र कोई 260 किलोमीटर है और इस सफ़र में आलमोस्ट 8 घंटे लग जाते हैं। तो जी हाँ गाइस, कुछ देर आराम और नाश्ता करने के बाद हमने अपना सफ़र आगे अपनी मंजिल स्कर्दू की जानिब दोबारा से शुरू किया। तो जी हाँ गाइस, नारान बाज़ार क्रॉस करने के बाद N15 नेशनल हाईवे पे आपको लेफ़्ट साइड पे स्टार्ट में ये बोर्ड आपको नज़र आएगा। यहाँ पे आगे आने वाले मुख्तलिफ इलाकों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो जी हाँ गाइस, 2 घंटे की नॉन स्टॉप ड्राइविंग करने के बाद हम पहुँचे लोलोसर झील। लोलोसर झील का फासला नारान सिटी से 48 किलोमीटर है। लोलोसर झील जो है कगान वैली का बहुत ही इंपॉर्टेंट पिकनिक स्पॉट है। और ये स्पॉट जो है किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से जो है ईजिली एसेस किया जा सकता है, क्योंकि ये मेन रोड के बिल्कुल साथ है। लोलोसर झील क्रॉस करने के बाद हमने स्टे किया, क्योंकि हम काफ़ी थक चुके थे पूरी रात ड्राइव करने के बाद। मुसलसल ड्राइव करना बहुत ही मुश्किल था हम लोगों के लिए, इसलिए हम लोलोसर झील क्रॉस करने के बाद रुके और कुछ छोटे से व्यूज़ या थोड़े बहुत व्यूज़ जो हमने रिकॉर्ड किए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके साथ ही साथ वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको लोलोसर झील के बारे में बताएंगे और उसके बाद आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। तो आए लोलोसर झील के कुछ व्यूज़ देखें। जी हाँ गाइस, लोलोसर झील का शुमार वादी कगान की खूबसूरत झीलों में किया जाता है। और इसके साथ साथ गाइस आपको बताता चलूँ कि ये झील सतह समुंदर से 11,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ है और इसकी लंबाई लगभग कोई 3 किलोमीटर है। इसके साथ साथ गाइस, दरियाए कुनहार का स्टार्टिंग पॉइंट या दरियाए कुनहार की शुरुआत इसी झील से होती है। लोलोसर झील कुछ देर आराम करने के बाद फिर से हमने अपना सफ़र बाबूसर टॉप अपनी अगली मंजिल की जानिब फिर से शुरू किया। और बाबूसर टॉप से 1 किलोमीटर हमने पहले स्टे किया, वहाँ वीडियोस और कुछ पिक्चर्स बनाने के बाद हमने स्ट्रेट अवे अपना सफ़र अगेन स्टार्ट किया। और बाबूसर टॉप ना रुकते हुए हमने अपना सफ़र स्कर्दू की तरफ जारी रखा। तो जी हाँ गाइस, बाबूसर टॉप क्रॉस करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था जी चिल्लास। चिल्लास ब्रिज क्रॉस करने के बाद 3 चीज़ों ने हमारा वेलकम किया। नंबर 1, चिल्लास की गर्मी। नंबर 2, ऊंचे पथरीले और रेत वाले पहाड़। नंबर 3, दरियाए सिंध जिसने अब हमारे साथ स्कर्दू साथ ट्रैवल करना था। और नंबर 4, ना ख़त्म होने वाली ये बहुत ही मुश्किल रोड। चिल्लास की मुश्किल रोड और गर्मी को बर्दाश्त करते हुए हम पहुँचे स्कर्दू मोड़। जगलोट से 10 किलोमीटर आगे जाके एक रोड सीधा गिलगित और हुंजा वैली की तरफ चला जाता है और एक रोड स्कर्दू की जानिब मुड़ जाता है।
जी हाँ गाइस, शिलास से स्कर्दू मोड़ का रास्ता कोई आलमोस्ट 95 किलोमीटर है और ये रास्ता हमने 2.5 घंटे में तय किया। स्कर्दू मोड़ से स्कर्दू सिटी का सफ़र आलमोस्ट 170 किलोमीटर बनता है। स्कर्दू रोड पर टर्न लेने के बाद मैं और एहसन काफ़ी खुश थे कि अब जो रोड है वो काफ़ी अच्छा है और सफ़र हमारा बहुत ही अच्छा और स्मूथ जाएगा। बट ये न्यू मोटरवे जैसा दिखने वाला रोड बाइकर्स के लिए कोई आसान रोड नहीं है। ज़िगज़ैग करता हुआ और शार्प टर्न्स के साथ ये रोड बाइकर्स के लिए इंतहाई मुश्किल और ख़तरनाक है। तो जी हाँ गाइस, उस ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट पे हमने थोड़ी देर आराम किया और थोड़े से कुछ व्यूज़ और वीडियोस बनाई और कुछ तस्वीरें बनाई हमने, और उसके बाद हमने दोबारा अपना सफ़र आगे अपनी मंजिल स्कर्दू की तरफ शुरू कर दिया। अभी हम कुछ ही किलोमीटर आगे गए थे कि वहाँ पे कचूरा सिटी आ गया। अब ये प्लेस का नाम है, सिटी का नाम है, मुझे आइडिया नहीं है। तो वहाँ पर हम रुके, वहाँ पर हमने कुछ लोगों से या लोकल लोगों से इन्फॉर्मेशन ली कि जी अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि जी आप शंगरेला रिजॉर्ट या शंगरेला झील को देख सकते हैं और उससे थोड़ा आगे मतलब कि 10 मिनट की ड्राइव पे जो है वो अपर कचूरा है, आप ये दोनों झीलें देख सकते हैं। टाइम हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट था, आलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स थे हमारे पास जिसमें हमने ये दोनों झीलें देखनी थी। बट कीपिंग इन व्यू द टाइम, तो हमने डिसाइड किया कि हम एक ही झील देखेंगे। तो हमने प्रेफरेंस या हमने प्रेफर किया कि हम अपर कचूरा देखेंगे। तो चलते हैं अपर कचूरा और वहाँ के आपको कुछ व्यूज़ दिखाते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको साथ इसकी देंगे। तो ये गैस स्कर्दू की लॉन्ग ड्राइव करने के बाद, बहुत ही लंबी ड्राइव करने के बाद अभी हम जा रहे हैं अपर कचूरा की जानिब और ऐसे मेरे साथ है। थक तो हम खैर बहुत चुके थे, हमने फैसला किया था कि हम आज पहले सबसे पहले रेस्ट करेंगे, पर यहाँ लोगों से पूछने के बाद पता लगा जी कि कुछ ज़्यादा दूर नहीं है जो है अपर कचूरा झील है, आप जा सकते हैं। आधे रास्ते तक तो हम बाइक लेके आए हैं और ऐसे नहीं, इधर आधे रास्ते तक हम बाइक लेके आए हैं और आधा हम ये है जो है वॉक, हम बिल्कुल वॉक कर रहे हैं। नॉर्मल सा ट्रैक है, लोग जो है रास्ते में गाइड करेंगे जी किस तरफ से आपने जाना है। तो बाकी देखते हैं और व्यूज़ जो है आपको ऊपर जाके दिखाएंगे अपर कचूरा के। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अपर कचूरा लेक जो है स्कर्दू का मेन अट्रैक्टिव विजिटर पॉइंट है, ये टूरिस्ट पॉइंट है। आपको बताता चलूँ कि जी अगर आप न्यू स्कर्दू रोड जो अभी कंस्ट्रक्ट हुआ है न्यूली, अगर वहाँ से जाएंगे तो आपको कचूरा जो है या अपर कचूरा लेक जो है वहाँ आप पहले जा सकते हैं, क्योंकि वो मेन स्कर्दू सिटी से पहले आएगा। और अगर आप देवसाई वाली साइड से जा रहे हैं तो पहले आप स्कर्दू जाएंगे और स्कर्दू से फिर आप कचूरा या अपर कचूरा जा सकते हैं। अपर कचूरा जो है सतह समुंदर से आलमोस्ट इसकी हाइट कोई 2500 मीटर है और इसकी गहराई कोई 250 फीट है।